गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वाली खबर पढ़ी होगी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, जो एक काफी क्रेडिबल कॉरेस्पॉन्डेंट है मानस प्रतिम गोयन, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं नीट यूजी का एग्जाम 2 टीयर में हो सकता है। हमने नीट यूजी का एग्जाम 2025 से कैसे हो उसके बारे में मल्टीपल टाइम्स इस वाले चैनल से सजेशन दिए, उसमें से काफी सारे सजेशन इस चीज के अराउंड थे कि एक एग्जाम जो इतना बड़ा है जिसमें 24 लाख लोग एक साथ एग्जाम लिखते हैं उसमें चांसेस गड़बड़ी होने के बहुत ज्यादा है, इसको 2 टीयर में किया जाना चाहिए। तो मैं आपको एक बार समरी बता देता हूँ कि मानस प्रतिम गोयन इस वाले आर्टिकल के अंदर क्या बोल रहे हैं और उसके बाद वील गो थ्रू दी आर्टिकल क्विकली। पहली चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थैंकफुली someone is looking at practical solution, जो के राधाकृष्णन के अंडर जो कमिटी बनी है they are tasked with providing these recommendations। उन्होंने बहुत सारे सुझाव भी मांगे थे, हम लोगों ने भी सुझाव दिए through various channels and some of the things that are coming out, तभी वो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट हो रही है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जब मानस खासकर बताते हैं कुछ भी रिपोर्ट करते हैं तो मैं उसको बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ, क्योंकि जनरली मैंने उनको जितना पिछले 6 साल से फॉलो किया है जनरली मानो ऐसा लगता है कि जो होने वाला है उसके पहले मानस को पता होता है। तो पॉसिबल चेंजेस जो एक्सपेक्टेड है, एग्जाम 2 टीयर में हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ हो सकता है क्योंकि फाइनल कॉन्फर्मेशन अभी कुछ भी नहीं है, दिस इज बीइंग रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर और अब से लेकर अनाउंसमेंट तक चीज़ें बदल सकती हैं। टीयर वन में एक्सपेक्टेड यह है कि NTA कंडक्ट कराएगा पेन पेपर OMR फॉर्मेट के अंदर, और यहां से सेलेक्ट करके टीयर 2 के अंदर टोटल जो सीट्स है उसका 2 to 3 times। अब टोटल सीट्स को 2-3 तरीकों से देखा जा सकता है। एक तरीका यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज की अभी करीब 57,000 सीट्स है, इस साल जो काफी सारे कॉलेजेस अप्रूव होने वाले, लेट्स से 80 कॉलेजेस अप्रूव होते हैं, उन्होंने कहा है कि हमने इन सारे कॉलेजेस को इवेल्युएट कर लिया है, उनको कम्युनिकेशन कर दिया, 80 कॉलेज होते हैं, 80 का मतलब 8,000 सीटों के आसपास होती है, तो ये करीब 65,000 हो जाता है। ठीक है, यदि हम इसे ऐसे देखें कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट तो ये टोटल मिला के 1,08,000 है, मैं ये MBBS सीट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1,08,000 है, इसमें ये वाले 8,000 जोड़ देते हैं तो ये 1,16,000 हो जाता है। इसमें साथ में डेंटल सीट्स भी जोड़ देते हैं, मुझे डेंटल सीट्स का एग्जैक्ट आइडिया दिया, आई थिंक दे आर क्लोज टू 50,000 टोटल, है ना, तो ये करीब 1,50,000 to 1,60,000 के आसपास हो जाता है, इसका 2 to 3 times। तो आप ये समझिए कि टीयर 2 एग्जाम जो है ये 4 to 5 lakh टॉप एस्पिरेंट्स का हो सकता है, जो टॉप 4 to 5 lakh एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए टीयर 2 हो सकता है। टीयर 2 एक्सपेक्टेड है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड इट माइट बी कंडक्टेड बाय एम्स या नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन या CBSE, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन NEET PG कराता है ना। सो दीज आर वेरी गुड चेंजेस, बाय द वे दीज आर वेरी स्मार्ट चेंजेस एज वेल, CBT भी हो गया और ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि 24 लाख लोग पूरे एग्जाम को यदि ऑनलाइन कर दिया जाता तो एग्जाम को कंडक्ट कराने में जितनी हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के सेंटर्स हैं हो सकता है 8-10 दिन निकल जाते, और 8-10 दिन निकलने का मतलब है कि हर रोज एक अलग पेपर देना पड़ता, दैट वुड हैव बीन अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन द सिस्टम, और एग्जाम इतना लंबा च्युइंगम की तरह चलता तो प्रॉब्लम होता। तो ये जो तरीका बताया जा रहा है कि टीयर 1 पेन पेपर OMR फॉर्मेट हो जाए, टीयर 2 में यदि हमें 4 to 5 lakh लोग का कराना है तो JEE में ज़्यादा लोग का होता है 4 to 5 lakh लोग का, तो उसे 3 shift में कराया जा सकता है आराम से, है ना। सो दैट इज फैंटास्टिक। अब जो क्वेश्चन रह गए वो ये है कि क्या एग्जाम मल्टीपल टाइम्स होगा, तो इस वाले आर्टिकल के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि मल्टीपल टाइम्स होगा, तो वी नीड टू नो दैट। मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा एग्जाम हाई स्टेक एग्जाम मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, पर इसके बारे में इस आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ। दूसरी चीज, एक जो आप लोगों ने बात सुनी होगी अटेम्प्ट लिमिट और बोर्ड परसेंटेज की, जैसे JEE में 75% है, यहां पे भी बोर्ड परसेंटेज 75% हो जाएगा क्या? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यदि ये वाला चेंज होगा तो इमीडिएटली नहीं होगा, इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसका रीजन यह है कि काफी सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको एकदम से नहीं बताया जा सकता कि आप अब क्वालिफाई नहीं करते, इट हैज टू बी अनाउंस्ड एंड अ पीरियड ऑफ 1 to 2 years शुड बी गिवन, अदरवाइज वॉट हैपन्स इज इट बिकम्स अनफेयर टू द स्टूडेंट्स, वो इमीडिएटली कोर्ट जाएंगे और कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगा देगा। तो मेरा अजम्पशन है कि गवर्नमेंट इस बात को समझती होगी, उसकी मंशा फालतू परेशान करने की नहीं होगी, दे माइट बी थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बट मैं रीजनेबली श्योर हूँ 1-2 साल के अंदर ये वाला चेंज इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, टिल द टाइम पीपल हैव बीन गिवन अ नोटिस कि यार आप तैयारी मत करो क्योंकि आपके इतने परसेंटेज नहीं है, अभी वो नहीं किया जा सकता जो लोग ऑलरेडी पास हो चुके हैं और अब वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, है ना। तो दिस इज माई ओपिनियन, बट दीज आर द चेंजेस विच आर रिपोर्टेड इन
टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल, अगेन ये एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, दीज चेंजेस हैव नॉट हैपेंड। हबड़ दबड़ में उछलना कूदना चालू मत कर दीजिए, खूब सारे इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे समराइज कर दिया, मैं एक बार आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, है ना। तो ये कह रहे हैं हाइब्रिड मोड ऑफ डिलीवरी, जैसे मैंने बताया टीयर वन हो गया पेन पेपर OMR और टीयर टू हो गया ऑनलाइन। सम ऑफ द चेंजेस अंडर डिस्कशन इंक्लूड ओवरऑलिंग नीट यूजिंग टू टू टीयर एग्जाम प्रिलिमिनरी एंड फाइनल। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इन द नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 to 5 times द नंबर ऑफ सीट्स, मैंने वहां पे 2 to 3 times बोला था, इट शुड बी 4 to 5 times। देर आर ऑल्सो डिलिब्रेशन ऑन वेदर द फाइनल कैन बी डिलीवर्ड ऑन CBT मोड वेल कंटिन्यूइंग विद पेन पेपर OMR मोड फॉर द प्रीलिम्स, है ना। ये मैंने आपको बता दिया। दिस अकॉर्डिंग टू सोर्स इज टू इंट्रोड्यूस मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। अब इसका मतलब यह है कि पहली बार में किसी ने बदमाशी की तो होपफुली नेक्स्ट टाइम में पकड़ा जाएगा। इनकेस देर आर डाउट दैट सम कैंडिडेट डिड मैनेज टू स्नीक इन वाया रॉन्ग मीन्स इन द प्रीलिम्स एंड नंबर ऑफ आर गेटिंग बिगर एवरी ईयर, इट विल बी डिफिकल्ट टू मेक द कट इन द फाइनल्स, है ना। तो ये है, तो ये सारे आर्टिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज द समरी गाइस। यहाँ पे इस वाले चैनल पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको रेगुलरली अपडेटेड रखें क्या चीज़ें बदल रही हैं। आज एक्सपेक्टेड है कि NTA डेटा पब्लिश कर देगा सिटी और सेंटर वाइज। वी विल ऑल्सो बी लुकिंग एट दैट डेटा ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसमें कुछ अनोमली दिखाई देती है क्या। अभी तक ये डेटा NTA ने पिछले सालों में कभी भी इस फॉर्मेट में पब्लिश नहीं किया। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स डेटा, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि डेटा को इस समय तक जैसे एनालाइज किया गया है, जैसे प्रेजेंट किया गया, उसमें कुछ शक है। वो सारे शक आज खत्म हो जाने चाहिए। पीपल विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज दैट डेटा फ्रॉम टुडे टिल मंडे, जब तक हियरिंग है। होपफुली NTA आज डेटा पब्लिश कर देगा। बट इंपॉर्टेंट खबर 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए ये है, मैं वापस आप लोगों को बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे हम रेगुलरली आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके अलावा आपके क्लासरूम टेस्ट चल रहे हैं, क्लासरूम टेस्ट आपके टीयर वन एग्जाम के हिसाब से, यदि टीयर वन और टीयर टू के हिसाब से हो जाता है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अभी आप घर पर बैठ के ऑनलाइन लिख रहे हैं। यदि गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि टीयर वन और टीयर टू यानी आपको सेंटर पर जाके लिखने होंगे, वी विल फिगर आउट अ मैकेनिज्म टू इनेबल दैट एज वेल। ठीक है बच्चों।